झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गिरफ्तारी हो गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबी पूछताछ और तमाम नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिरफ्तार हो गए हैं हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई, हालांकि ईडी को यह अधिकार नहीं है, स्टेट पुलिस के साथ मिलकर ही ये गिरफ्तारी हो सकती है और यहां गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं जमीन घोटाला मामले में। इससे पहले अंडरग्राउंड हो गए थे, अचानक से गायब हो गए थे हेमंत सोरेन, और अब थोड़ी देर पहले यह खबर आ रही है कि सूत्रों के हवालों से की गिरफ्तारी हो गई है। तो बड़ी खबर, लंबी पूछताछ, सुबह 9 बजे से ही ये पूछताछ जारी थी। ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी हेमंत सोरेन से। गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल से भी मिलेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक। सिर्फ 5 विधायकों को ही अंदर जाने की परमिशन मिली है, लेकिन यह बड़ी खबर कि अब सीएम कौन होगा। इससे पहले परिवार में ही, सोरेन परिवार में ही अंतर्कलह भी देखने को मिली, लेकिन बड़ी खबर तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ट्रायल तो चलते रहेंगे, क्योंकि पीएमएलए में, पीएमएलए के तहत जब ईडी गिरफ्तार करेगी तो वो ट्रायल चलाती रहेगी। अब मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पे इस्तीफा देने की बात होगी। मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे वो सरकार की सेहत के लिए बेहतर होगा, और इसीलिए जो प्लान बी तैयार किया गया है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चंपई सोरेन को नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि राजभवन जैसे ही विधायक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई एक विधायक जो है वो लीड करेगा और राजभवन में गवर्नर को कन्विंस करेगा कि हमारे पास जो है सरकार गठन के जरूरी आंकड़े हैं, जो मैजिक नंबर है वो हमारे साथ है, और वो समझौते का जो पत्र है जो हम लगातार चला रहे हैं कि कल ही की बैठक में ये सारी तैयारियां कर ली गई थी, विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र जो है वो तैयार कर लिए गए थे। चर्चा थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कल्पना सोरेन जब मुख्यमंत्री बनेगी 6 महीने के भीतर उनका निर्वाचन होना तय है, यानी कि निर्वाचित होकर ही वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह पाएंगी, लेकिन जो सीट खाली कराया गया है उसका जो वक्त है वो ये अलाउ नहीं करता है कि उनको मुख्यमंत्री पर आसीन करने के लिए गवर्नर कन्विंस होंगे। गवर्नर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय मांगते हैं तो जिस तरीके से महाराष्ट्र का वाकया हुआ है, एक सीट खाली रह गया और वहाँ चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो झारखंड में भी वैसी स्थितियां आ सकती है। जो टेक्निकल अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए जो सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद हैं चंपई सोरेन, लगता है कि उनके नाम पर मुहर लग गई है और जो नॉमिनेटेड के तौर पे वो। तो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कौन होगा मुख्यमंत्री, चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है, ये जानकारी हमारे रिपोर्टर वहां से दे रहे थे। इसके अलावा बात जो है वो सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी। फिलहाल सीएम अपने आवास में मौजूद है, ये खबर आ चुकी है सूत्रों के हवाले से कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ईडी इसको सार्वजनिक करेगी, जैसे ही उनकी तस्वीर आएगी बाहर ईडी की टीम के साथ, जब ईडी दफ्तर की तरफ जाएंगे सीएम, तो ये साफ हो जाएगा कि ईडी की गिरफ्तारी में है सीएम। और आपको एक संकेत तो मिल ही गया है, ये 3 बस जो राजभवन में आए हैं ये प्लान बी का हिस्सा है, यानी कि पहले ही ये तय कर लिया गया था कि जैसे सीएम की गिरफ्तारी होगी वैसे ही ये 3 बस पर सवार जो है विधायकों का जो दल है वो राजभवन की तरफ कूच करेगा। और राजभवन की तरफ आप देखिए कि जमावड़ा है, पूरी टीम जो है, मीडिया की टीम यहाँ खड़ी है, फ्लैशेज हैं, कैमरा के फ्लैशेज हैं, और इन फ्लैशेज के बीच में देखिए अब जो है ये बस जो है बाहर आए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बस जो बाहर आए हैं हम देखने की कोशिश, देखिए विधायक बाहर निकले हैं। अब ये देखना होगा कि गवर्नर से उन्हें
क्या संदेश मिला है, उन्होंने गवर्नर को क्या तथ्य दिए हैं, गवर्नर को उन्होंने कन्विंस करने के लिए क्या आंकड़े दिए हैं, क्या गवर्नर कन्विंस हुए हैं नई सरकार के गठन को लेकर। तो अब ये विधायक जो है यहाँ है, अब विधायकों से जानना होगा, विधायकों को कोशिश कर रहे हैं हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये विधायक जो है सही तस्वीर सामने लाते हैं मीडिया के सामने। देखिए लगातार ये विधायक जो है, विधायकों की जो गाड़ी है वो आकर यहाँ खड़ी हो गई है। आप देखिए ये विधायकों की गाड़ी जो है ये राजभवन के बाहर खड़ी है, तो ये साफ संकेत है कि गवर्नर से उनकी मुलाकात हो गई है। और गवर्नर से मुलाकात कैसी रही है ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ये काफिला जो है बिल्कुल यहाँ प्रशासन की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। देखिए ये तस्वीरों के जरिए सारा कुछ आपको मिल रहा होगा, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में विधायक सवार हैं, ये तीन बसों में विधायक सवार हैं और गवर्नर हाउस के बाहर ही वो मौजूद हैं। तो अब ये इंतज़ार है कि कोई विधायक बाहर निकले और सही तस्वीर जो है सामने लाए। अब देखिए जो देखिए अभी शायद समय नहीं मिला, वही मैं बात कर रहा था कि दिवाकर लगातार जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक हालांकि शुरुआत में कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था लेकिन अब चंपई सोरेन का भी नाम आ रहा है। झारखंड टाइगर के तौर पर चंपई सोरेन को जाना जाता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हेमंत सोरेन गिरफ्तार। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंपई सोरेन को कमान दी जा सकती है। यह तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। तकरीबन सात घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। इससे पहले का घटनाक्रम क्या था हेमंत सोरेन ये जान रहे थे और यही वजह है कि इसके बाद जो सियासी हलचले होंगी इसे लेकर बाकायदा विधायक दल की एक बैठक भी हुई थी। इसमें तकरीबन सात विधायक नहीं पहुंचे थे, यह भी बहुत मार्के की बात रहेगी। अब जो नाम निकलकर सामने आ रहा है चंपई सोरेन नए सीएम होंगे, धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का, बड़ा सियासी अपडेट, हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, चंपई सोरेन को राज्य की कमान दी जा सकती है बतौर सीएम। लगातार ये बड़े अपडेट झारखंड से इस वक्त मिल रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बनी हैं। बस में विधायक सवार बताए जा रहे हैं, ये विधायक राजभवन के लिए निकलेंगे। खबर यह भी थी कि बाकायदा जो हेमंत सोरेन है उन्हें इस बात का अंदेशा था। और अब क्या सियासी घटनाक्रम वहां पर होता है यह देखने वाली बात। चंपई सोरेन सीएम बन सकते हैं, विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं। दूसरी टीम कहां है, दूसरी टीम? आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहां सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। कुछ बातचीत के बाद तमाम जो विधायक हैं वो वापस लौटते हुए, और जिस तरीके से कि अब तक तस्वीरें देखने को मिली है, अभी मुलाकात होगी, अभी मुलाकात होगी। राजा जी, क्या ईडी ने डिटेल किया है क्या? नहीं, ये नहीं। अभी कौन मुख्यमंत्री कौन होगा? अम्बा जी, अम्बा जी कौन होगा? अम्बा जी कौन होगा? अम्बा जी, अम्बा जी मुख्यमंत्री कौन होगा? अम्बा जी, अम्बा जी, अम्बा जी थोड़ा सा, अम्बा जी, अम्बा जी। बिल्कुल, सभी विधायकों को यहाँ पर रोका गया है और
जरूरत पड़ेगी तो महामहिम के आगे प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक मौजूद, बिल्कुल सारे विधायक मौजूद हैं। देखिए कोई एक्सक्लूसिव नहीं होने जा रहा है, सिंपल है कि आदरणीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री के लिए हम लोग नाम प्रस्ताव कर रहे हैं, उन पर सहमति बनी है गठबंधन के सभी साथियों ने। कार्रवाई हुई है या उसकी कोई कार्रवाई की बात नहीं है अभी तक, जो मेरी जो अभी तक मेरी जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री ने यह तय किया है कि हम इस्तीफा देंगे और हमारे जगह पर चंपई सोरेन जी का नाम नहीं। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, आप जान रहे किस तरह का संकट बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं हम लोग सारे विधायकों को अंदर बुलाया गया, सारे हमारे विधायक अंदर गए फिर बाहर कर दिया गया, ये तो है। हेमंत सोरेन के साथ भी किसी और की कार्यकर्ता, बिल्कुल यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसी चीज का ऐलान राजेश ठाकुर ने यहां पर किया है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को झारखंड के वासी देख सकते हैं और इसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है, बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। क्या चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट किया था? ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। तो ये लगातार रिएक्शन इस तरह के मिल रहे हैं और अब राजभवन की भूमिका बेहद बेहद महत्वपूर्ण, तकरीबन 7 घंटे की पुस्तक। चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। तो ये विधायक चंपई सोरेन का नाम, झारखंड टाइगर जिन्हें कहा जाता है और अलग झारखंड राज्य के लिए शिबू सोरेन के साथ मिलकर काम करने वाले, हालांकि अर्जुन मुंडा सरकार में भी वो रहे और अब ताकतवर पोर्टफोलियो इस सरकार में भी उनके पास था, वही चंपई सोरेन। नारेबाजी की तस्वीर है कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हेमंत सोरेन की इस्तीफा को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर थी वो। तो इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी, लेकिन कोरबा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी आपको जानकारी दे दें। कोरबा में पुलिस चौकी में हंगामा और तोड़फोड़ हुई है, ग्रामीणों ने चौकी में रखे सामान में तोड़फोड़ की है। ग्राम जटगा गांव के ग्रामीणों ने उत्पात मचाया है, सरपंच पति समेत ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। महुआ शराब पकड़ने के बाद यह नाराजगी, कच्ची शराब बनाने का अवैध धंधा चलता है, उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। इसके बाद जो जडगा गांव के ग्रामीण है वो पहुंच गए और उत्पात मचाया, सरपंच पति समेत अन्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें कोरबा की, पुलिस चौकी में हंगामा और तोड़फोड़ हुई है, जटगा गांव के ग्रामीणों ने उत्पात मचाया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, कोरबा में पुलिस चौकी में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ किया गया, जटगा गांव के ग्रामीणों ने उत्पात मचाया सरपंच पति की अगुवाई में। दरअसल कच्ची शराब पकड़ने से नाराज थे ये ग्रामीण, इसके बाद ये थाने पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जब उत्पात मचा रहे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, थाने में रखा सामान तोड़फोड़ रहे हैं। खबर आपको कोरबा के कटघोरा से बता दें, घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जटगा गांव के ग्रामीण गांव वाले यहां पहुंचकर उत्पात इन्होंने किया है, तोड़फोड़ की है, महुआ शराब पकड़ने से नाराजगी। अब आरोपियों की तलाश, जो उत्पात मचाने हंगामा करने उपद्रव मचाने पहुंचे हुए थे उनकी तलाश की जा रही है। कच्ची शराब का अवैध धंधा, कटघोरा थाना इलाके के जटगा चौकी का मामला, ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त सामने आपकी स्क्रीन पर और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, सरपंच पति समेत ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है।
और अब खबर जगदलपुर से, जहां 60 लोगों की हुई है घर वापसी। 10 परिवार के 60 सदस्यों की घर वापसी। 5 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। गांव के पुजारी पटेल सरपंच ने वापसी करवाई है। हिंदू रीति रिवाज से ये सभी वापस लौटे हैं। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूरपाल का ये पूरा मामला है। 10 परिवारों की सनातन में वापसी। 10 परिवारों के 60 लोग 5 साल पहले क्रिश्चियन बन गए थे, अब हुई है घर वापसी। दस परिवारों के 60 लोग सनातन में वापस आ गए हैं। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूरपाल का यह पूरा मामला। हिंदू रीति रिवाज से वापसी। गांव के पुजारी पटेल सरपंच ने इनकी वापसी करवाई है। 10 परिवारों के 60 लोग वापस लौटकर सनातन धर्म में। सरकार गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करती जरूर है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाता। अंबिकापुर में पीडीएस संचालक के राशन वितरण में गड़बड़ी के कारण करई और क्रांति प्रकाशपुर गांव के ग्रामीण परेशान हैं। पीडीएस संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा और एक्शन लेने की मांग की है। हमला 2 महीना से नहीं मिली से, सरकार ना चना ना चावल, परेशानी हुई था हो ही। अब चावल नहीं गिरा, नहीं देते हैं हम लोग को, तो का कर नहीं गिरती थे। किसी का 14 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का 2 महीना का चावल नहीं दिया गया है। जब हम उस चावल को मांगने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम लोग अगले महीना देंगे, अगले महीना देंगे, अगले महीना देंगे। इस प्रकार करके हम लोग का चावल पूरा खा गए। गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर उसमें जो संचालक समूह है दुकान के, उनके द्वारा ये गड़बड़ी की जाती है, और गड़बड़ी यदि की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसमें पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार के टुंड्रा में स्थित सरकारी स्कूल के भवन की हालत इतनी जर्जर है कि स्कूल में बैठकर छात्रों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि 520 छात्रों वाले स्कूल में कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है। जर्जर भवन व शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। स्कूली छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर स्कूल भवन की मांग की है, शिक्षकों की मांग की है। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर चक्का जाम कर स्कूल में ताला जड़ने की बात कही है। और बजट भी हो गया है, अभी से कोई कार्यवाही नहीं किया गया है, और दूसरे जगह का तो स्कूल बनने का स्टार्ट हो गया है, अभी तक हमारे स्कूल का कोई नहीं बना है, और हमारे ऊपर से शिक्षा की कमी है। एक बार और आया था तो आवेदन दिया था, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी पास भी बोला था तो 1 सप्ताह में व्यवस्था करवाते हैं बोले थे, एक भी व्यवस्था नहीं करवाया गया। इतना मांग किए हैं फिर भी हम लोगों का स्कूल को नहीं बनवा रहे हैं, 2-3 बार आवेदन भी दे चुके हैं फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं सर लोग, और हर बार आ रहे हैं, अगले बार भी कलेक्टर ऑफिस आए थे फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, और आवेदन तो दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। लोग चक्का जाम करेंगे और या तो स्कूल को ताला बंद करके बाहर में बैठेंगे। कोरबा के उर्गा स्थित हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी से लगे हुए भूभाग पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर हाईवे सड़क से कुछ दूरी पर कब्जे को रोकने के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस बात की शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक उर्गा के सरपंच की शह पर यह काम हो रहा है। बात यह भी सामने आई है कि सरपंच द्वारा सभी अवैध कब्जाधारियों से रुपए वसूले गए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए। कोरबा के उर्गा में जो हाईवे पास हो रहा है वहां पास बेजा कब्जा लगातार हो रहा है, और उसकी शिकायत भी लोगों द्वारा की गई है। उन लोगों से ही हम बात करेंगे किस तरीके की शिकायत की गई है और किनके द्वारा ये बेजा कब्जा किया जा रहा है। ये बेजा कब्जा किनके द्वारा किया जा रहा है तो हमको पता नहीं, लेकिन बताने में आ रहा है कि सिलियारी भाटा जो गाँव वाले हैं वही लोग कर रहे हैं, और इसमें अन्य लोग भी लगे हुए हैं।
कितने दिन से चल रहा है काम इनका? करीब एक हफ्ता हो गया है। अब्दुल असलम, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। इधर सक्ती जिले के छोटे सीपत गांव में चंगाई सभा में अंधविश्वास के चलते अमीराडीह के रहने वाले संतराम सिद्धार की मौत हो गई। चंगाई सभा में किडनी फेल मरीज की बीमारी दूर भगाने का ईसाई मिशनरियों का फॉर्मूला फेल हुआ। दरअसल अमीराडीह गांव के संतराम सिद्धार को उसकी बीमारी दूर करने के लिए चंगाई सभा में बुलाया गया और उसी दौरान उद्धार महोत्सव में उसकी मौत हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में संयोगिता सिंह जूदेव ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुझे भी अभी लोगों के द्वारा पता पड़ा कि छोटे सीपत में चंगाई सभा आयोजित की गई थी और जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इस पे शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान अगर चंगाई सभा में जा रही है, सबसे पहले तो ये चंगाई सभा आयोजित हो रही है, इसमें कोई रोक टोक क्यों नहीं हो रही है। खबर जांजगीर से, सक्ती से हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह लगाने की मांग की गई है। भोली भाली जनता को बहलाने का आरोप है। यह पूरा मामला जो अभी हमने आपको दिखाया, चंगाई सभा में युवक की मौत का यह मामला है और राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। तीन नाम भी बाकायदा इसमें सौंपे गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।